आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बैक फ्लैश अकाउंटिंग क्या होती है बैक फ्लैश अकाउंटिंग को क्यों इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से कैलकुलेशंस की जाती हैं बैक फ्लैश अकाउंटिंग में तो अगर सिर्फ बैक फ्लैश अकाउंटिंग की बात की जाए तो बैक फ्लैश अकाउंटिंग एक ऐसी अप्रोच है या एक ऐसी कॉस्टिंग की या अकाउंटिंग की टेक्निक है जिसमें ट्रिगर प्वाइंट्स का इस्तेमाल किया जाता है ये डिटर्मिन करने के लिए या ये, ये जानने के लिए कि कब मैनुफेक्चरिंग कॉस्ट जो है उसको असाइन करना है इन्वेंट्री या टेम्प्रेरी अकाउंट्स को अकाउंट्स में हमारे पास अकाउंट तरह तरह की तरहां के डिफरेंट अकाउंट्स आते हैं जो अकाउंट जि, जिसके थ्रू इन्वेंट्री जो है रिकॉर्ड की जाती है या जिसका दूसरा जो इम्पेक्ट है वो इन्वेंट्री पे जाता है तो अगर हम ट्रिगर्स की बात करें क्योंकि बैक फ्लैश अकाउंटिंग सारी ट्रिगर्स पे चलती है तो अगर ट्रिगर्स की बात करें तो ट्रिगर्स ऐसे इवेंट होते हैं जिनकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अकर की जाती अकर होती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है ऑर्गेनाइजेशन में और उसको उसके अकाउंटिंग रिकॉग्निशन के लिए उस कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए हम बैक अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं और इन इवेंट्स की कॉस्ट रिकॉग्नाइज हो सकती है जिन इवेंट्स की कॉस्ट रिकॉग्नाइज हो सकती है उन इवेंट्स को हम कहते हैं ट्रिगर पॉइंट्स बैक फ्लैश अकाउंटिंग को उन ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल किया जाता है जिन ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट इन टाइम का कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हमने जस्ट इन टाइम में पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त प्रोडक्शन करती है जिस वक्त उसके पास ऑर्डर आता है वो अपनी इन्वेंट्री को होल्ड नहीं करती तो जब इन्वेंट्री होल्ड नहीं की जाएगी डायरेक्टली जो मटेरियल है उसको प्रोडक्शन में डाला जाएगा तो इसके लिए अकाउंटिंग किस तरह से की जाएगी तो जब ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में जाती है तो उसको उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल्ड जो एक्सपेंसेस हैं उनको ट्रैक करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का जो बजट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा चाहिए होता है जिसके जिसको एलिमिनेट करने के लिए इस बजट को रिड्यूस करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए अकाउंटिंग को ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बैक फ्लश अकाउंटिंग का इस्तेमाल करती है उसके अलावा बैक फ्लैश अकाउंटिंग का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जस्ट इन टाइम सिस्टम में जो होती हैं हैं वो लो रखी जाती अपने पास होल्ड नहीं की जाती ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए फिर ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा रिसोर्सेज लगा के कॉस्ट फ्लो को ट्रैक नहीं कर सकती अपने इन्वेंट्री अकाउंट में से तो यहां पर डायरेक्टली जो है वो अकाउंटिंग करते जाते हैं जैसे जैसे प्रोडक्शन आती जाती है साथ साथ अकाउंटिंग करते जाते हैं अब लेट सपोज एक कंपनी है स्मॉल कंपनी जो कि बैग मैन्युफैक्चर करती है लेदर के और कंपनी ने परचेज किया लेदर जो कि 300 मीटर्स कंपनी ने लेदर को परचेज किया अभी जो लेदर परचेज हुई है इस ये लेदर एक ट्रिगर है क्योंकि इसकी वजह से जो परचेज की कॉस्ट है वो अकर होगी और वो परचेज की कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का भी पार्ट बनेगी तो इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की अकाउंटिंग जब हम करेंगे तो इस अकाउंटिंग को हम कहेंगे बैक फ्लैश अकाउंटिंग क्योंकि ये ये जो लेदर लिया जाएगा ये डायरेक्टली इसको प्रोडक्शन में भेज दिया जाएगा इसकी कोई इन्वेंट्री नहीं होगी तो ये जो परचेजेस की है रॉ मेटेरियल की एक ट्रिगर है जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अकर हुई है अब इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हम अकाउंटिंग को कहेंगे बैक फ्लश अकाउंटिंग अब ऐसे ही अगर बैक फ्लश अकाउंटिंग के टाइप्स की बात की जाए तो बैक फ्लैश अकाउंटिंग की दो तरह की टाइप्स क्रिएट होती हैं और वो क्यों क्रिएट होती हैं नंबर ऑफ ट्रिगर्स की वजह से ट्रिगर्स की तादाद की वजह से जितने ट्रिगर्स होंगे उतनी दफा, उतनी दफा बैक अकाउंटिंग की टाइप्स क्रिएट होंगी और लोकेशन जि, होगी जिस जगह पर जो इवेंट है वो अकर होगा उसकी वजह से भी जो टाइप्स हैं बैक फ्लश अकाउंटिंग की वो अपीयर होंगी या क्रिएट होंगी अब बैक फ्लश अकाउंटिंग में हमारे पास क्योंकि ट्रिगर्स हैं तो ट्रिगर्स की चार तरह की वेरिएशन होती हैं वन बाय वन अगर इन वेरिएशंस को डिस्कस किया जाए तो सबसे पहली जो वेरिएशन है जहां से बैक फ्लैश अकाउंटिंग स्टार्ट होती है वो है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और कंप्लीशन ऑफ गुड्स वो परचेज किया रॉ मटेरियल को उसके गुड को कंप्लीशन के लिए उसकी गुड्स जो है वो कंप्लीट कर लें तो यहां पे डायरेक्टली जेआईटी का सिस्टम होगा तभी जो रॉ मेटेरियल की परचेजेस से गुड्स जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाएंगी नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रिगर आता है नेक्स्ट जो हमारे पास वेरिएशन सॉरी वेरिएशन आती है वो आती है परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल एंड सेल ऑफ गुड यहां पर एक और बात करते चले कि पहली जो हमारे पास परचेज ऑफ गुड्स है

सेल ऑफ गुड उसके बाद जो हमारे पास

ट्रिगर है क्योंकि इसमें नेक्स्ट कोई भी इवेंट नहीं हो रहा सिंगल सिर्फ सेल ऑफ गुड्स हो रही हैं। अब इस हर वेरिएशन के लिए ये ये जो चार ये जो वेरिएशन हैं इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स हैं और डिफरेंट लोकेशन ऑफ ट्रिगर्स हैं तो लोकेशन किस तरह से कि यहां पे जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो रहा है ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में हो रहा है इसकी लोकेशन क्या होगी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट और ये जो कंप्लीशन ऑफ गुड्स हो रही है इसकी लोकेशन क्या होगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और इसी तरह से जो सेल ऑफ गुड्स है उसकी लोकेशन होगी सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट तो यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट हमारे पास नंबर ऑफ ट्रिगर्स है इनकी बेसिस पे अब इसकी अकाउंटिंग की जाएगी तो अब वन बाय वन इन फोर वेरिएशंस की हम लोग अकाउंटिंग को स्टार्ट करते हैं तो वेरिएशन वन से स्टार्ट करते हैं वेरिएशन वन में हमारे पास क्या था कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंप्लीशन ऑफ गुड्स तो इसमें हमने बात की थी कि दो ट्रिगर्स हैं जिसमें पहला ट्रिगर क्या था कि परचेस ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास पहला ट्रिगर है और जब रॉ मटेरियल को परचेज किया जाएगा तो इसको साथ ही प्रोसेस में डाल दिया जाएगा प्रोसेस कौन सा प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल दिया जाएगा क्योंकि हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि ये जो ब्लैक फ्लश अकाउंटिंग है ये जेआईटी सिस्टम में इस्तेमाल की जाती है और जेआईटी के मुताबिक जैसे ही रॉ मेटेरियल तब ही परचेज किया जाता है जबकि प्रोडक्शन करनी हो तो फर्स्ट ट्रिगर जो पॉइंट था वो था परचेज ऑफ मेटीरियल और डायरेक्टली जो है वो मेटीरियल को प्लेस कर दिया जाएगा प्रोडक्शन के लिए तो इस फर्स्ट वेरिएशन के फर्स्ट ट्रिगर की अकाउंटिंग क्या होगी कि रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस या इन प्रोसेस इन्वेंट्री को डेबिट कर दिया जाएगा और अकाउंट पे एबल के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा अब ये वाला जो हमारे पास अकाउंट है ये हमारे पास की इन्वेंट्री अकाउंट है जिसको हमने डेफिनेशन में देखा था और जो सेकंड हमारे पास अकाउंट है वो हमारे पास टेम्परेरी अकाउंट है जिसको हमने डेफिनेशन में देखा था तो अब अगर बात की जाए कि रॉ मेटीरियल और इन प्रोसेस दोनों इन्वेंट्रीज को डेबिट क्यों किया गया है तो हम देख सकते हैं कि जे में कोई भी अलग से मेटीरियल इन्वेंट्री अकाउंट नहीं होता या रॉ मटेरियल का अकाउंट नहीं होता और कोई जो है हमारे पास प्रोसेस uh, इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं होता यहां पे क्या किया जाता है कि तमाम जो कॉस्ट है जो कि डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर मटेरियल और ओवरहेड्स की कॉस्ट को अप्लाई कर दिया जाता है कंबाइन कर दिया जाता है तो ये जो तमाम कॉस्ट को कंबाइन कर दिया जाता है ये बैक फ्लश अकाउंटिंग का जो है वो सेकेंड फीचर है फर्स्ट तो ये है कि हमने उसके ट्रिगर्स को देख लिया सेकेंड ये है कि इन तमाम कॉस्ट को हमने कंबाइन कर लिया तो इस तरह से हमने देखा कि रॉ मेटेरियल और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री दोनों किस तरह से डेबिट हो गई और सेकेंड में हमने अकाउंट पेएबल अकाउंट को क्रेडिट किया है किस वजह से कि ये जो रॉ मेटेरियल लाया है इसी को वर्क इन प्रोसेस में डाला गया है और इसी से रिलेटेड जो पैसे हैं जिन पैसों के इससे हमने रॉ मेटेरियल खरीदा है वो अकाउंट पेएबल है और इस वजह से हमने इस अकाउंट पेएबल के अकाउंट को क्रेडिट किया है अब ये तो हमने फर्स्ट वेरिएंट का फर्स्ट ट्रिगर डिस्कस किया है फर्स्ट वेरिएंट में हमने देखा था कि हमारे पास दो ट्रिगर्स हैं एक तो रॉ मटेरियल और दूसरा हमारे पास कंप्लीशन ऑफ गुड्स तो अगर सेकंड ट्रिगर की बात की जाए तो सेकंड ट्रिगर हमारे पास है कंप्लीशन ऑफ गुड्स अब जब गुड्स कंप्लीट होंगी तो फिनिश गुड इन्वेंट्री क्रिएट हो जाएगी तो फिनिश गुड इन्वेंट्री को डेबिट किया जाएगा और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री अब कंप्लीट हो चुकी है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो फ्लश हो गई है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहीं पर खत्म हो गई है हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के फ्लो को यहां पर देख लिया है कि फिनिश गुड इन्वेंट्री ही बनी कंप्लीट हुई तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को जब क्रेडिट किया तो तमाम जो अकाउंट्स हैं वो फ्लस्ट ऑफ हो गए हैं तो यही है बैक फ्लश अकाउंटिंग का कंसेप्ट कि अगर कोई इन्वेंट्री नहीं है तो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड भी बहुत कम है और रिकॉर्ड भी फ्लश हो जाता है जैसे ही प्रोडक्शन कंप्लीट होती है इसी तरह से वेरिएशन टू को डिस्कस किया जाए तो वेरिएशन टू में सिर्फ क्या डिफरेंस था कि मेटेरियल परचेस किया जा रहा था लेकिन अब गुड्स को कंप्लीट करने के बजाय गुड्स को सेल किया जा रहा है तो पहले ट्रिगर के लिए जो अकाउंटिंग है वो सेम रहेगी कि रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को डेबिट किया जाएगा और अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि सेकंड 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 ट्रिगर ट्रिगर में में वेरिएशन भी हमारे तो हमारे पास पास ऑफ रॉ मटेरियल है है तो इस तरह जो उसके लिए अगर हम अकाउंटिंग को देखें तो सेकेंड ट्रिगर के लिए हमारे पास किस तरह से अकाउंटिंग मूव करेगी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करेंगे क्योंकि अब गुड्स जो है वो सेल की जा रही है और कॉस्ट ऑफ गुड में हम तमाम जो कॉस्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो प्रोडक्ट से रिलेटेड तमाम कॉस्ट है उस तमाम को डेबिट कर देंगे और कन्वर्जन कॉस्ट कंट्रोल को क्रेडिट कर देंगे कन्वर्जन कॉस्ट कौन सी जो इन गुड्स पर लगी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहां पे भी तमाम जो कॉस्ट है वो तमाम जो अकाउंट्स वो फ्लश्ड ऑफ हो जाएंगे जैसे ही गुड्स को सेल किया जाएगा तो ये वेरिएशन टू के ट्रिगर टू के लिए भी हमने अपनी जो एंट्री है उसको पास कर लिया एंट्री हमने देख ली कि क्या एंट्री है अब इसी तरह थर्ड जो वेरिएशन थी वो हमने बात की थी कि वो जो थर्ड वेरिएशन है उसमें सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट है और वो ट्रिगर पॉइंट क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो गुड्स हैं उन उनको कंप्लीट कर लिया है गुड्स की जो गुड्स पे तमाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग चुकी है और अब गुड्स कंप्लीट है फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए और फिनिश प्रोडक्ट बना ली है तो इसके लिए क्या हमारे पास एंट्री होगी कि फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को डेबिट कर दिया जाएगा और अकाउंट पे एबल को क्रेडिट कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ओनली ट्रिगर है इसलिए ये फिनिश गुड जो इन्वेंट्री है इसको हमने एज्यूम इसी में ही सारी जो कॉस्ट है वो हमने मिला दी है डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड वगैरह की जो कॉस्ट इस फिनिश गुड इन्वेंट्री को बनाने में लगी है और अकाउंट पेबल को उसके इवज हमने क्रेडिट कर दिया है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट के लिए अकाउंटिंग है वो फ्लस्ट ऑफ हो जाएगी जिसमें हम हर वेरिएशन के अगेंस्ट अकाउंटिंग को फ्लस्ट ऑफ कर रहे हैं तमाम अकाउंट्स को फ्लस्ट ऑफ कर रहे हैं तो यहां पे भी फिनिश गुड्स और अकाउंट पे एबल जब एंट्री की जाएगी तो ये भी फ्लश ऑफ हो जाएंगे नॉर्मली ये तो जेआईटी सिस्टम के लिए हम एंट्रीज पास करें बैक फ्लश अकाउंटिंग इस्तेमाल करके लेकिन नॉर्मली अगर हम करें तो फिनिश गुड्स के अगेंस्ट हम तमाम उन अकाउंट्स uh, को क्रेडिट uh, करते हैं जिनकी वजह से कॉस्ट इनकर होते हैं जिसमें डेप्रिसिएशन हो गई वर्क इन प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस हो गया डायरेक्ट लेबर और तमाम अदर अकाउंट्स को ये तो अब हमने वेरिएशन थ्री डिस्कस कर ली इसी तरह अब जो लास्ट वेरिएशन हमारे पास फोर वेरिएशन थी वो भी क्या वेरिएशन थी कि ओनली सिर्फ ये सिंगल वेरिएशन है जिसमें जो गुड्स हैं वो सोल्ड हो रही थी इसलिए जो तमाम कॉस्ट है वो फ्लस्ट आउट हो जाएंगी सिस्टम से जैसे ही गुड्स सेल होंगी क्योंकि जब गुड्स सेल हो गई तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा ये जे सिस्टम है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स को डेबिट कर देंगे क्योंकि गुड सेल की है और उन पर जो कॉस्ट लगी है उसको डेबिट कर देंगे और इस कॉस्ट में भी जिस तरह हमने बात की थी कि तमाम कॉस्ट आ जाएगी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर जो सेल करने तक की जितनी भी कॉस्ट है वो तमाम कॉस्ट इसका पार्ट बन जाएंगी और अकाउंट पे को हम करेंगे कर देंगे क्योंकि ये भी हमारे पास एक सिंगल ट्रिगर है तो सिंगल ट्रिगर्स में हमने एक चीज कॉमन देखी कि अकाउंट पेएबल दोनों केसेस में क्रेडिट हो रहा है और बाकी हमने डबल ट्रिगर्स में अकाउंटिंग को दो-दो एंट्रीज -दो पास की क्योंकि वो ट्रिगर्स जो दो-दो थे तो हर ट्रिगर के लिए अलग एंट्री हमने देख ली तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना बैक फ्लश अकाउंटिंग क्या है बैकफ्लश अकाउंटिंग को जे सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और उससे रिलेटेड हमने अकाउंटिंग एंट्रीज को पास किया